नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए राज्य शिक्षा परिषद द्वारा स्कूलों की छुट्टी बढ़ाई गई। 6 मई से 2 जून तक अब स्कूल बंद रहेंगे। गर्मी और लोकसभा चुनाव दोनों चीजों को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद ने ये निर्णय लिया है। आमतौर पर 9 मई से 20 मई तक स्कूल बंद रहते थे। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में रविवार की रात आए भीषण तूफान से भारी तबाही हुई। अब तक 5 लोगों की जानें जा चुकी हैं और कई लोग घायल और बेघर हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह ने सभी तरह की सहायता देने का आश्वासन दिया। अमित शाह ने फोन पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात भी की। मुख्यमंत्री, राज्यपाल एवं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी जलपाईगुड़ी के मैनागुड़ी जाकर घायलों से मुलाकात की। राज्य सरकार की ओर से मारे गए लोगों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। लोकसभा चुनाव को सामने रखकर पश्चिम बंगाल के कूचबिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 4 अप्रैल को करेंगे चुनावी सभा। प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री की सभा एक ही दिन होने के कारण प्रशासन की नींद उड़ गई है। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा तो माथाभांगा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सभा होनी है। इसके बाद प्रधानमंत्री की अगली सभा 7 अप्रैल को जलपाईगुड़ी और बालूरघाट में होगी। पश्चिम बंगाल प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष एवं बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा केंद्र के बीजेपी प्रत्याशी दिलीप घोष के आचार संहिता के उल्लंघन करने पर लगाई फटकार और किया सेंसर। इस मामले में मुख्य चुनाव आयोग ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी किया आगाह। चुनाव प्रचार के दौरान दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, जिसका विरोध तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग के समक्ष की थी। फर्जी हस्ताक्षर कर 100 दिनों के कार्य का पैसा उड़ा ले गए 2 सुपरवाइजर। पुलिस ने दोनों सुपरवाइजर्स को गिरफ्तार किया है। ये घटना है पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के सूटिया इलाके की। गिरफ्तार लोगों में एक महिला भी शामिल है। लोकसभा चुनाव को केंद्र कर केंद्रीय मंत्री निशीत प्रमाणिक एवं राज्य के मंत्री उदयन गुहा के बीच संघर्ष और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उदयन गुहा ने गाड़ी और पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ किए जाने का आरोप केंद्रीय मंत्री निशीत प्रमाणिक पर लगाया है। इस घटना के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के कर्मी समर्थकों ने पथावरोध कर विरोध जताया है। वहीं बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर उदयन गुहा के इशारे पर बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगाया। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस, आवर मिशन। नमस्कार। राज्य से जुड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय श्री श्याम एग्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, चक्की फ्रेश आटा, आटा माने ही श्याम एग्रो आटा। विजुअल एड हो या डिजिटल एड, पब्लिक टाइम्स आपके लिए लेकर आया है पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। यहाँ एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर की गाइडलाइन में बनाए जाते हैं विजुअल और डिजिटल एड बिल्कुल रीजनेबल रेट पर। सो कॉन्टैक्ट पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। कॉन्टैक्ट नंबर 9332185842। आप हमसे ईमेल आईडी के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है publictimes2011@gmail.com। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।